मित्रों, जो कविताएं मैं आपके सामने निवेदित कर रहा हूं, वे हमारे समय को, उनकी कठिनाइयों को चित्रित करती हैं। पहली कविता है केश चिंता, बालों की चिंता। लड़की बार बार अपने बालों की चिंता करती है। लड़की बार बार अपने बालों की चिंता करती है। सघन काले घुंघराले हैं तब भी। इन दिनों बहुत सारी चिंताएं हैं, पहले की भी। यह चिंता बाल गिर जाने की बिल्कुल नई है। वह अपनी माँ की चिंताओं के बारे में सोचती है। उनके बाल जो अब चाहे जितने सफेद हो गए हो, वैसे ही चमकते, रेशमी, खिले खिले, ईर्ष्या करने जैसे, जो न कभी किसी शैम्पू से धोए गए, न शीकाकाई साबुन से। माँ शायद डरती रही होगी अपने घर की बीमारी, दुबली चरचर दीवारों से कस्तूरी जीजी की पीली आंखों वाले तपेदिक बुखार से, लेकिन बाल गिरने की चिंता से लड़की बहुत से दिन गुजर गए। लड़की के बहुत से दिन गुजर गए इन्हीं चिंताओं में। वह बार बार अपने बालों को संभालती रही, अपनी त्वचा को सांवली होने के डर से चमकते रहे हैं न दांत, चमकते रहे हैं न दांत, चारों तरफ अपनी सदी के कितने कितने डर अकल्पित, अनामंत्रित लिपट गए हैं लड़की की जीवन से। लड़की बार बार अपने बालों की चिंता करती है। दूसरी कविता है बाजार। आश्वासनों से बाजार चमकता है। दो खरीदो एक मुफ्त, आश्वासनों से बाजार चमकता है। दो खरीदो एक मुफ्त, कितने टीवी दिखा रहे हैं मुफ्त, सुंदर सुदेह वाली स्त्रियां, कितने टीवी दिखा रहे हैं मुफ्त, सुंदर सुदेह वाली स्त्रियां। बिहारी की सतसई जैसी सूक्ष्म कटि परिब्रह्म जो अलख लखी ना जाए। कैसे हंसते बच्चे फव्वारे के नीचे जल केली करते हैं, पुरुषार्थ की गोलियां खाकर असीम तृष्णाओं से विकल। कैसे कैसे पुरुष पूरे दिन एक चैनल हंसाता है,
दूसरे पर खुश होती अम्माएं नाचती हैं, तीसरे पर गांव की सलोनी लड़कियां खरीदा हुआ गीत गाती हैं, चौथा कुचले हुए भारत का भविष्य बताता है। एक और चैनल रास्ते पर एक फिजूल सा आदमी बैठा है, दूसरे का इंतजार करता। जहां से सब लोग गुजरते हैं, अच्छे दिन अपनी जेबों में तरतीब से रखे खुश खुश। एक और कविता है, एहसान कृतज्ञता। असंख्य लोग मेरे कंधों पर बैठे हैं, जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना है। असंख्य लोग मेरे कंधे पर बैठे हैं, जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना है। अपनी इस उदास बेतरतीब जिंदगी के लिए ईश्वर तक जो मुझे बार बार धमकाता रहता है, ईश्वर तक जो मुझे बार बार धमकाता रहता है, जिससे मैं उसकी प्रार्थना करूं, दीनता के कई कई स्तरों वाले शब्दों में विवश उसकी चरण रज में लिपटा। जो मेरे कंधों पर बैठे हैं शताब्दियों से, वे मेरा कुछ भी कर सकते हैं। जो मेरे कंधों पर बैठे हैं शताब्दियों से, वे मेरा कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कुछ किया भी है उन्होंने, माला जपकर तलवार दिखाकर, जो कुछ नजर आया, शब्द किताब रोशनी या और भी जो बचा लिया था, जो बचा लिया था अपनी मनुष्यता के लिए, साहस या अपनी पगडंडी, उस सब पर डाका। मेरे पास अब अपनी दीनता ही बची है। दुख के दिन ऐसे ही लूटपाट करने आते हैं, चले जाते हैं। असमंजस के